Welcome to Science Classes. We are back with another video. Today's video is related to class 9 subject science. So today we are going to discuss formulas of all chapter of class 9 subject science. So let's begin the class. Now, formula of chapter 3, atoms and molecules. Atoms and molecules. So first, molecular mass or relative mass. Relative molecular mass is equal to mass of one atom of the substance upon 1/12 into mass of one carbon atom. ठीक है, तो हमें जो है molecular mass find करना है किसी भी जो है substance का. ठीक है, तो उसके लिए उस सब्सटेंस के एक एटम का मास अपॉन 1/12 1/12 इनटू मास ऑफ वन कार्बन एटम, एक कार्बन एटम का जो मास होता है, ठीक है, उसको लेंगे. ठीक है, तो यहां पर जो है कार्बन का जो वन एटम मास है उसको हमने एक रिलेटिव वैल्यू माना है यहाँ पर. ठीक है ना, तो इससे हम किसी भी जो है सब्सटेंस के एटम का मॉलिक्यूलर मास फाइंड कर सकते हैं, रिलेटिव मास फाइंड कर सकते हैं. फॉर्मूला ऑफ चैप्टर थर्ड एटम अगेन, कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड. मॉलिक्यूलर मास ऑफ कंपाउंड, ओके, तो इसका एक सिंपल सा मेथड है. मॉलिक्यूलर मास इज द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल. ठीक है, तो हम क्या करते हैं कि कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास फाइंड करते हैं, तो उस कंपाउंड में जितने भी एटम्स हैं उनके एटॉमिक मासेस को हम सम कर देते हैं, ऐड कर देते हैं, है ना. तो जो वैल्यू हमारे पास में आती है दैट इज मॉलिक्यूलर मास, दैट इज मॉलिक्यूलर मास. नाउ फॉर्मूला यूनिट मास, अगेन द सम ऑफ एटॉमिक मासेस ऑफ ऑल एटम्स इन अ फॉर्मूला यूनिट ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड फॉर्मूला यूनिट मास. तो कोई सब्सटेंस है उसका एक यूनिट फॉर्मूला जो होता है ना, एक जो सूत्र है उसमें जितने भी परमाणु हैं उनके परमाणु द्रव्यमानों का योग, द सम ऑफ एटॉमिक मासेस, उनका योग जो है दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास, हम उसको ऐड कर देंगे. ठीक है, इसके लिए कोई फॉर्मूला नहीं है. ठीक है ना, बेसिक बात हमको ये ध्यान रखनी है कि जो भी एटम्स होंगे उनके एटॉमिक मासेस को हम ऐड कर देंगे, जो रिजल्ट हमारे पास में होगा दैट इज फॉर्मूला यूनिट मास. तो मॉलिक्यूलर मास और ये सेम हो गया यहाँ पर. ठीक है ना, नाउ परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड. परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ अ कंपाउंड, अब यहां पर क्या है, व्हेन द मासेस ऑफ अ कंपाउंड एंड ईच एलिमेंट आर गिवन. ठीक है, जो भी कंपाउंड है और जो एलिमेंट्स हैं उनके मासेस हमको गिवन है तब. ठीक है, तो उस समय फॉर्मूला क्या यूज में लेंगे, मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट, मास ऑफ एलिमेंट इन द गिवन मास ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, जो भी कंपाउंड है उसमें जो एलिमेंट्स हैं उनके मास होंगे वो अपॉन टोटल मास ऑफ द कंपाउंड. ठीक है, टोटल मास कंपाउंड का क्या हो जाएगा, वो इनटू 100. ठीक है, तो ये सॉल्व करने पर वी विल गेट मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट. नाउ अब इसका सेकंड है, परसेंटेज कंपोजिशन ऑफ कंपाउंड में क्या हो जाएगा, व्हेन द फॉर्मूला ऑफ, when the formula of compound and the atomic masses of elements are given. यहाँ पर क्या होगा कि हमें compound का formula given है और जो elements हैं उनके atomic masses given है. ठीक है, उस condition में mass percentage of an element is equal to total mass of element in one molecule of the compound. उस compound के एक molecule में जितने भी element हैं उनका total mass upon मॉलिक्यूलर मास ऑफ द कंपाउंड, कंपाउंड का मॉलिक्यूलर मास इनटू 100. ठीक है, तो इससे हम जो है मास परसेंटेज ऑफ एन एलिमेंट फाइंड कर सकते हैं. नाउ इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट. मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड इज मोलर मास. मास ऑफ वन मोल ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस के वन मोल का मास जो है उसे हम क्या कहते हैं,
मोलर मास कहते हैं, ठीक है। नाउ 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, कोई भी सब्सटेंस है उसका 1 मोल इज इक्वल टू एटॉमिक मास इन ग्राम, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, पार्टिकल्स क्या हो सकते हैं, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस एक्सेट्रा, इन मोल इज 6.022 × 10⁻², ये फिक्स वैल्यू है, ठीक है। द नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन मोल, एक है ना, इन 1 मोल, जो जो 1 मोल है उसमें किसी भी सब्सटेंस के कितने पार्टिकल होंगे, चाहे वो एटम हो, मॉलिक्यूल है, आयन हो, 6.022 × 10⁻²। ओके, दिस इज अ कांस्टेंट एंड फिक्स वैल्यू। सो 6.022 × 10⁻²  इज एवोगाड्रो नंबर एंड इज जनरेटेड बाय NO, ठीक है। ये क्या है, एवोगाड्रो नंबर है, ठीक है, साइंटिस्ट के नाम पर ही है, एवोगाड्रो नंबर। सो 1 मोल इज इक्वल टू 6.022 × 10⁻², ठीक है, ये पार्टिकल्स होंगे एक 1 मोल में, कोई भी एटम हो सकता है या मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं या आयंस हो सकते हैं। पॉइंट नंबर ऑफ मोल्स, तो अब ये जो बेसिक हमने अभी समझा, अब हम जो है इससे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करना चाहते हैं। सो नंबर ऑफ मोल्स डिनोटेड बाय स्मॉल n इज इक्वल टू गिवन मास स्मॉल m अपॉन मोलर मास कैपिटल m। सो नंबर ऑफ मोल हम फाइंड कर सकते हैं, गिवन मास होगा सब्सटेंस का अपॉन मोलर मास, डिवाइड करके नंबर ऑफ मोल फाइंड हो जाएंगे। ओके, द सेकंड फॉर्मूला ऑफ नंबर ऑफ मोल इज गिवन नंबर ऑफ पार्टिकल्स n एंड एवोगाड्रो नंबर n o। एवोगाड्रो नंबर अभी हमने देखा था, ठीक है, तो इससे हम डिवाइड कर देंगे, तो इससे भी हम नंबर ऑफ मोल्स फाइंड कर सकते हैं। फाइंड मास, मास इज इक्वल टू मोलर मास इनटू नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है। तो मोलर मास हमको गिवन है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं, देन हम मास फाइंड कर सकते हैं। फाइंड द नंबर ऑफ पार्टिकल्स मीन्स एटम्स, मॉलिक्यूल्स, आयंस, इनके नंबर्स हमको फाइंड करने हैं। सो नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन मोलर मास इनटू एवोगाड्रो नंबर m अपॉन कैपिटल m इनटू NO। तो इससे भी आप जो है नंबर ऑफ पार्टिकल्स फाइंड कर सकते हैं। पार्टिकल्स क्या, एटम हो सकता है, मॉलिक्यूल हो सकता है, आयंस हो सकते हैं। ओके ओके, if you like the video subscribe the channel Science Class by Nisha Saxena and Himika Saxena, see you in the next video।